हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग द पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ, हम लोग द पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। द पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द। शब्द का अध्ययन करेंगे। शब्द क्या होता है, कैसे प्रयोग होता है, क्या उपयोगिता है, इन सब का अध्ययन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत करेंगे। शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है एवं उनके द्वारा कार्यों को पूरा किया जाता है। हमें शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का पता लगता है। इसके साथ साथ शब्द के स्थान पर, शब्द के विभिन्न शब्दों के स्थान पर अन्य सर्वनाम या अन्य वर्ड्स प्रयोग होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्य के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, कार्य के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8, ध्यान से देखिए। वे कौन कौन से होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 शब्द होते हैं। इन्हीं 8 शब्दों से ही ये बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं। तो हमें इनके बारे में अध्ययन करना है, जानना है कि किस शब्द को हम क्या कहेंगे। 8 शब्द हैं तो ये कौन कौन हैं, कैसे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जैसे नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखिए, इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि 6 हमने बताया। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय कहते हैं इसको, संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, देखिए तो ये 8 आपके हो गए। कंजंक्शन, कंजंक्शन में दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला, यानी इसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय।
समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक अव्यय है। और लास्ट आपका इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो ये आपके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, शब्द हैं, ये 8 शब्द होते हैं। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी बातों को कहते हैं या समझते हैं या लिखते हैं। तो अब हमें इसे बारी बारी से जानना है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये क्या होते हैं, किसे नाउन कहेंगे, किसे प्रोनाउन कहेंगे। अब हमको यह जानना है, एक एक करके हमें पूरे का स्टडी करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो नंबर 1 पे नाउन दिया है, इसलिए हम सर्वप्रथम नाउन का स्टडी करेंगे, नाउन का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, फिर हम नाउन के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। जब नाउन के बारे में बता लेंगे तो प्रोनाउन के बारे में, फिर एडजेक्टिव के बारे में, ऐसे करके इस पूरे को हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन कम से कम आप यह नाम जरूर याद रखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जरूर इतना आप याद रखेंगे, यह ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम नाउन को डिटेल में बताते हैं। नाउन को हम डिटेल में बताते हैं। नाउन संज्ञा, इसमें सर्वप्रथम यह जानना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो नाउन तो क्लास LKG के बच्चे भी जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें इसे डिटेल में जानना है, पहचानना है, सिर्फ नाउन के डिफिनेशन से काम नहीं चलेगा, पूरा डिटेल में जानना है। तो नाउन क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। नाउन यानी संज्ञा, नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या मस्तिष्क के गुण के नाम का बोध होता है, बस यही नाउन है। फिर से देख लीजिए, नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या मस्तिष्क के गुण के नाम का अध्ययन किया जाता है या उसके नाम का ज्ञान होता है। तो नाउन किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, ये नाउन कौन कौन से होते हैं पहले हमें ये बताना है, ठीक है। तो नाउन जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए लिखते हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और लास्ट आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। चलिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ होते हैं, उस आठ में मैंने एक लिया नाउन। नाउन किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। नाउन कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको यहाँ बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पांच प्रकार के आपने नाउन जान लिया। अब आपको इसमें से एक एक कर्प जानना है। पहले प्रॉपर नाउन जानेंगे, फिर कॉमन नाउन, फिर क्रमशः ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहले प्रॉपर नाउन के बारे में बताते हैं, फिर कॉमन नाउन के बारे में। तो चलिए बताते हैं, पहले जो है प्रॉपर नाउन, इसके बाद मैं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन देखिए क्या होता है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं पहले जानना है। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए व्यक्ति, स्थान या वस्तु, व्यक्ति, स्थान या वस्तु, ठीक है, प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक। तो लेकिन अब इतने से आपको समझ में नहीं आया होगा, और भी थोड़ा डिटेल में जानना है। सिर्फ इतने से ही नहीं काम चल जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ और जानना हमें इसमें, ठीक है। तो नेम ऑफ पर्सन देखते हैं पहले, नेम ऑफ पर्सन देखिए, यह हो गया नेम ऑफ पर्सन, इस राम, सीता और मुकेश, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। पर्सन व्यक्ति का नाम, व्यक्ति मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो यह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आपको, जैसे अगला क्या है, स्थान का नाम, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम, नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम कुछ भी हो सकता है, गोरखपुर हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, मुंबई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, मसूरी, देहरादून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सभी के सभी प्लेस के नाम हैं। मसूरी, ठीक है, चेन्नई, CH EN NEI, चेन्नई, ठीक है। तो पर्संस व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेम ऑफ डेज, मंथ, फेस्टिवल।
नेम ऑफ डेज, मंथ, फेस्टिवल, यह भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आएगा। डेज के नेम, मंथ के नेम, फेस्टिवल के नेम, ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, जैसे डेज में देखिए, डेज जैसे संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सभी के सभी डेज प्रॉपर नाउन होंगे। फिर दिया मंथ्स, मंथ्स में जैसे जनवरी, मंथ्स हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सभी के सभी मंथ्स में आ जाएंगे। फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स कोई त्यौहार हो जाएगा, जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये सभी के सभी किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसमें चलिए फेस्टिवल में होली या दीपावली, ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या क्या होते हैं आप, तो इस तरह से जो है आपने देख लिया, ATCD देते हैं, ATC मतलब जितने भी डेज नेम हैं, जितने भी मंथ्स नेम हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यह आपने देख लिया। चलिए वस्तु देखते हैं, वस्तु में क्या होता है, जैसे आपने लिखा है व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। सिर्फ वस्तु के नाम को कह देने से काम नहीं चलेगा, वस्तु क्या है ये भी जानना चाहिए आपको। ठीक है, तो लिखते हैं नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स भी क्या हो सकता है, जैसे कोई बुक का नाम हो सकता है, किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, ये सब जो है बुक के, ये सब जो है थिंग्स में आ जाएंगे। जैसे कुरान लिख देते हैं, QURAN, कुरान, रामायण, ATC, जितना भी बुक्स वगैरह हैं, जितने भी इमारत हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सभी सभी जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे यदि उनका नामकरण किया गया, कोई नाम है। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है, समझ में आ गया होगा आपको। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक, व्यक्ति क्या है समझ में आ गया, स्थान क्या है समझ में आ गया, मंथ्स, डेज, फेस्टिवल्स समझ में आ गया आपको, नेम ऑफ थिंग्स समझ में आ गया, तो प्रॉपर नाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आगे भी हमें कुछ बताना है प्रॉपर नाउन के बारे में, थोड़ा इसे भी जान लीजिए। आगे क्या जानना है, आगे यह जानना है आपको कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर में होता है और सामान्यतया उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, कभी कभी द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ होता है। किस कंडीशन में होता है यह भी जान लीजिए, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, ओशंस, ये नेम आते हैं तो उनके साथ लगेगा, प्रॉपर नाउन होते हुए भी उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे हमने क्या बताया, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, ओशन, मतलब नदी, पर्वत, तालाब,
ओशन, महासागर यदि यह हैं तो उनके साथ जो है आर्टिकल द लगेगा, प्रॉपर नाउन होते हुए भी द लगेगा, ठीक है। जैसे द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशन, लाइक दिस। तो आपने समझ लिया कि कुछ प्रॉपर नाउन में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। और किस प्रॉपर नाउन में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ प्रदेशों के नाम, कुछ देशों के नाम जहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये सभी के सभी कॉम्पिटिशंस में भी आया करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है रिलीजियस बुक्स, कुछ रिलीजियस बुक्स धार्मिक किताबें, मतलब कहा जा रहा है कि जो धार्मिक किताबें हैं, बुक्स हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हो गया आपका इस तरह से जो है प्रॉपर नाउन में व्यक्ति, स्थान, वस्तु को आपने देखा। और हमने आपको बताया कि देशों के नाम के पहले, कुछ देशों के नाम के ही पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, कुछ प्रांतों के नाम के पहले ही हम लगाते हैं, सबके साथ नहीं, सिर्फ पंजाब के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन हैं, प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी हम यहाँ द का प्रयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ, जैसे कोई रिलीजियस बुक्स है कोई, तो इसके बाद जो है रिलीजियस बुक्स धार्मिक किताबें, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, लाइक दिस, इनके साथ जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी। नेक्स्ट आपका, जैसे कुछ अन्य फैक्टर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर या बिल्डिंग्स, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर है उस सभी में आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे द ताज, द रेड फोर्ट, इनके साथ भी आपको द का प्रयोग करना है। इसके बाद मैं आपको लास्ट बताने चल रहा हूँ कि हम कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम के साथ भी हम आर्टिकल लगा देते हैं, किसी व्यक्ति के नाम के साथ भी हम आर्टिकल लगा देते हैं, लेकिन वह जो नाउन होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, वह उस समय कॉमन नाउन का कार्य करता है। जब प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो जो प्रॉपर नाउन होता है वह कॉमन नाउन बन जाता है, क्लियर। जैसे देखिए, जैसे कहते हैं ही इज द शेक्सपियर ऑफ हिज एज, ठीक है, या ही इज द शेक्सपियर ऑफ द प्रेजेंट एज, या कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए यहां जो है शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो सकता है जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का कार्य करेगा, यानी कालिदास यानी शेक्सपियर जैसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी जो शेक्सपियर है यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपने प्रॉपर नाउन को डिटेल में जान लिया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने चल रहा हूँ, इसके बाद जो है
प्रॉपर नाउन के बाद हमें कॉमन नाउन के बारे में बताना है। कॉमन नाउन क्या होता है इसके बारे में। तो इस तरह से आपको प्रॉपर नाउन के बारे में समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको कॉमन नाउन के बारे में बताता हूँ। नंबर टू, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं यह आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए कॉमन नाउन के द्वारा हमें एक ही जात की सब वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान होता है। कॉमन नाउन के द्वारा हमें एक ही जात के सब वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान होता है, ठीक है। तो सब व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान होता है, यही कॉमन नाउन का डिफिनेशन है। तो एक ही प्रकार के कॉमन नाउन के द्वारा हमें एक ही जाति के सब वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है। वस्तुओं या व्यक्तियों, देखिए वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है कॉमन नाउन के द्वारा। यानी जिस नाउन से किसी वस्तु या व्यक्तियों क्या ज्ञान होता है उसे, या कैसे कहें, जिस नाउन के द्वारा हमें एक ही जात की सब वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु नेम ऑफ थिंग्स देखते हैं। जैसे वस्तु नेम ऑफ थिंग्स क्या हो सकता है, वस्तु के नाम क्या हो सकता है। जैसे पेंसिल हो सकता है, बुक हो सकता है, चेयर हो सकता है, लाइक दिस पेंसिल, बुक, चेयर, एटीसी, सब कुछ हो जाएगा। ये जो है थिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो बताया कॉमन नाउन के द्वारा हमें एक ही जात की सब वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान होता है। तो वस्तुओं में आपने देख लिया। चलिए अब हम आपको जो है पर्संस के बारे में बताते हैं। पर्संस एनिमल्स बर्ड्स, पर्संस एनिमल्स बर्ड्स, पर्संस एनिमल्स बर्ड्स, ये भी आपके जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। पर्संस जैसे बॉय या गर्ल या वुमेन, बॉय गर्ल, ठीक है, काफी है ना। पर्संस में बॉय गर्ल वुमेन मैन लाइक दिस सब हो जाएंगे आपके। और इसके बाद एनिमल्स, एनिमल्स में जैसे लायन, स्पैरो, काऊ, लायन, स्पैरो, एटीसी, मतलब ये सभी आ जाएंगे आपके। तो यह हो गया एनिमल्स में, हो गया जितने भी एनिमल्स आते हैं। इसके बाद एनिमल्स में लायन हो गया और स्पैरो में, बर्ड्स में स्पैरो हो गया। तो पर्संस में बॉय गर्ल हो गया, एनिमल में लायन, काऊ, डॉग, बफेलो, राइनो सब आ जाएंगे। बर्ड्स में स्पैरो, पिकॉक, पिहेन लाइक दिस। तो इस तरह से कॉमन नाउन किसे कहते हैं आपके समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कलेक्टिव नाउन।
कॉलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, मतलब जिस शब्द से किसी झुंड व्यक्तियों के समुदाय या वस्तुओं के समूह का ज्ञान होता है, मतलब जिससे किसी समूह का ज्ञान हो, जिस नाउन से किसी समूह का ज्ञान हो, ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक, कलेक्टिव नाउन में क्या क्या हो सकता है, जैसे क्राउड हो सकता है, टीम हो सकता है, आर्मी हो सकता है, क्राउड, टीम, आर्मी, क्राउड, टीम, आर्मी या फ्लॉक, फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या होता है, फ्लॉक मीन्स होता है जहाजों का समूह या जूरी, जूरी मीन्स क्या होता है, न्यायाधीशों का समूह, फैमिली, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। देखिए ये सभी के सभी जो है कलेक्टिव नाउन में आएंगे, सभी किसी एक व्यक्ति को नहीं, बहुत सारी चीजों को दिखाते हैं। क्राउड मतलब लोगों की भीड़, टीम ये टीम मतलब खिलाड़ियों का समूह, बहुत सारे खिलाड़ी होंगे उस टीम में, आर्मी सैनिकों का समूह, आर्मी सैनिक, बहुत सारे सैनिक रहते हैं उनको हम आर्मी कहते हैं, फ्लॉक हमने आपको बता दिया जहाजों का समूह, जूरी, जूरी जो ही कहा तभी दिमाग में आ जाना चाहिए, ऐसा एक टीम समूह जिसमें बहुत सारे जज हों, फैमिली समझते ही है परिवार में कई लोग रहते हैं, और पार्लियामेंट जानते ही हैं पार्लियामेंट में संसद में बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। चलिए इसके बाद मैं आपको मटेरियल नाउन के बारे में बताता हूँ, चौथा मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है, किसे कहते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात अर्थात मटेरियल नाउन से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है, मटेरियल नाउन से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, जैसे ओल, ओड, देखिए ओल, ओड, स्टोन, मिल्क, गोल्ड, आयरन, इटीसी, ये सभी के सभी मटेरियल नाउन है, यानी जिसका रूप परिवर्तित किया जा सके, जिस चीज का रूप परिवर्तित किया जा सके उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। क्लियर, जैसे दूध, दूध हम रूप परिवर्तित कर देते हैं, दूध से हम बर्फी बना लेते हैं, दूध से हम क्या बनाते हैं, पनीर बना लेते हैं, दूध से दही बना लेते हैं, तो रूप तो परिवर्तित हो गया, यानी जो मिल्क है यह मटेरियल नाउन है। ऊन, ऊन जानते ही हैं विभिन्न तरह कपड़े बना लेते हैं, ऊन लकड़ी जानते ही हैं टेबल बनाते हैं, चारपाई बनाते हैं, दरवाज़ा बनाते हैं, सभी इससे बन जाते हैं लकड़ी से, कोई भी लकड़ी जाएगी टेबल बन जाएगा, चेयर बन जाएगा, स्टूल बन जाएगा, लाइक दिस, यानी रूप परिवर्तित कर दिया गया, यानी यह मटेरियल नाउन हो गया। स्टोन पत्थर, पत्थर का रूप परिवर्तित होता है, बड़े बड़े पत्थरों को काट करके जो है छोटा छोटा बना देते हैं, फिर उससे सड़क बनाते हैं,
या उसे पीस देते हैं फिर सीमेंट बना देते हैं, इस तरह से उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से सब आपका हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट में आपको बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको जानना है। फिफ्थ एंड लास्ट है ABSTRA एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं पहले आपको यह जानना है। तो जानिए जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जिस नाउन से किसी के गुण, दशा अथवा कार्य, गुण दशा कार्य, गुण दशा कार्य का बोध हो, जिस नाउन से गुण दशा कार्य का बोध हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, ठीक है। पहले हम आपको गुण के बारे में बताते हैं। गुण क्वालिटी कहते हैं इसको, इसे हम क्वालिटी कहते हैं। गुण क्या क्या हो सकते हैं, गुण क्या क्या हो सकते हैं हमें जानना है। क्वालिटी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ट्रुथ, क्लेवरनेस, ऑनेस्टी, कवर्डाइज, विजडम, लाइक दिस समझेंगे। जैसे ट्रुथ, कवर्डाइज, विजडम, ETC, ठीक है। इस तरह से आपने गुण देख लिया। चलिए दशा बताते हैं। दशा मीन्स, दशा मीन्स स्टेट, दशा स्टेट, दशा को हम अवस्था भी कहते हैं। स्टेट क्या होता है, दशा क्या होती है, जैसे प्लीजर, यूथ, चाइल्डहुड, जैसे प्लीजर, यूथ, चाइल्डहुड, ठीक है, प्लीजर, यूथ, चाइल्डहुड, सिकनेस, ओल्ड एज, ओल्ड एज। देखिए ये सभी के सभी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये स्टेट शो कर रहे हैं, दशा शो कर रहे हैं। चलिए हम इसमें एक्शन भी देख लेते हैं। एक्शन कार्य यानी एक्शन, एक्शन क्या होता है, एक्शन कार्य, ठीक है। कार्य में क्या होता है, जैसे मूवमेंट, जजमेंट, थेफ्ट, फ्लाइट, लाइक दिस। मूवमेंट, जजमेंट, फ्लाइट, देखिए ये सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यह जो है एक्शन है, ठीक है। और कुछ देख देते हैं, जैसे रिवेंज, लॉटर, ATC,
इट्स तो इस तरह से है अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, यानी जिस नाउन से उसके गुण दशा या कार्य का बोध हो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो गुण देख लिया आपने, दशा देख लिया आपने, कार्य देख लिया आपने, इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। ओके।